हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आशा, रेनु, कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? संजय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? एक बार बताइए जरा, आवाज आ रही है ना? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। आशा जी, हम भी एकदम बढ़िया हैं। टकाटक, जकाझक, फकाफक। अनअकैडमी पे मेरे दोस्तों, राजेंद्र शर्मा के नाम से आप मुझे फॉलो कर ले, ताकि आपको स्पेशल क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी भी कैटेगरी में कोई भी प्लस कोर्स लेना हो, रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 यूज करना है। 6 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट है अनअकैडमी पर मेरा, और इसमें पेड कोर्स में क्या क्या आपको सुविधा मिलने वाली है, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। टेस्ट घर बैठ के पढ़ सकते हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पोल सिस्टम, पीडीएफ, लाइव चैट, नॉमिनल फीस, फ्रंट चेयर, अपनी रैंक देख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। आप यदि मेरे साथ में जुड़ के पढ़े तो ये रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र 10। और कोई भी अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर निसंकोच कॉल करके किसी चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पेपर वन और पेपर टू दोनों पढ़ने का मौका मिलेगा। दिसंबर 2022 का टारगेट यदि आपका है तो राजेंद्र 10 रेफरल कोड यूज करके आप अनअकैडमी पे दो पेड कोर्स हैं, आइकोनिक और प्लस। आइकोनिक सबसे अच्छा है, इसमें बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलते हैं। लाइव क्लास है, पोल का सिस्टम है, राइज हैंड का ऑप्शन है, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, वीकली रिव्यू, बूस्टर सेशन, डाउट सॉल्व सेशन। जबकि प्लस में लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, कोर्स शेड्यूल है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट है। तो आराम से जुड़ सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम है अनअकैडमी की ओर से। स्वागत आप सभी का। आइकोनिक और प्लस, ये सब आइकोनिक ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट का एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी प्लानर मिल जाता है। जबकि प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, कोर्स शेड्यूल, अनलिमिटेड एसेस होता है। कोर्स परचेज करने के लिए एनटीए यूजीसी नेट सेट एग्जाम मैनेज करें गोल में आइकोनिक पे क्लिक करें, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मंथ आपको सेलेक्ट करना है, रेफरल कोड में राजेंद्र 10 लगाना है। इसमें आपको 10% का क्या मिलेगा ऑफ, 10% का फीस डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपको प्लस लेना है तो रेफरल कोड राजेंद्र 10 मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे दोस्तों, स्पेशल क्लास और अनअकैडमी पे जो क्लासें होती हैं उसके फीचर्स देखो, लाइव क्लास, पोल का सिस्टम, राइज हैंड का ऑप्शन, क्लास मिस नहीं होती है, कहीं भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं। ये पिछले बैच में सिलेक्शन देने वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने पिछले बैच में अटूट सिलेक्शन दिए हैं, खूब सारे बच्चे। और स्वागत इंडियन लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में आप सभी का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। 8 AM वाली क्लास आज नहीं हुई थी, संडे इज होलीडे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी से मैं आगे की बात आपके सामने करूंगा। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था ज्ञान मीमांसा क्या होती है, ज्ञान मीमांसा क्या होती है। ज्ञान मीमांसा में मैंने प्रमाण मीमांसा की बात करी थी, प्रमाण मीमांसा की मैं कल चर्चा कर चुका था आपके सामने। प्रमाण्य मीमांसा क्या होती है इसकी भी चर्चा मैं कल आपके सामने कर चुका था। जो ज्ञान मीमांसा के 3 पार्ट थे इसकी मैं चर्चा आप लोगों के सामने कर चुका था। पिछली क्लास में अपन इनको पढ़ चुके हैं ना।
यस या नो, पिछली क्लास में इनको पढ़ लिया था अपन ने, ज्ञान मीमांसा के जो पार्ट्स थे वो मैंने बता दिया था, और इसी में अपन ने बात की थी ख्याति मीमांसा की, ख्याति मीमांसा, और इसमें मैंने बता दिया था भ्रम क्या होता है, मति भ्रम क्या होता है, संशय क्या होता है, इसके बारे में अपन कल पूरा अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे तत्व मीमांसा की। आज अपन तत्व मीमांसा की बात करने वाले हैं। तत्व मीमांसा जिसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, मेटा मेटा फिजिक्स, तात्पर्य क्या है, मेटाफिजिक्स का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य मेटा, मेटा का अर्थ होता है परे, मेटा का अर्थ क्या होता है, परे, और या फिर फिजिक्स का अर्थ क्या होता है, फिजिक्स का अर्थ, फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक, फिजिक्स का अर्थ क्या होता है, भौतिक। देखो तत्व मीमांसा जिसको अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स बोलते हैं, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है, मेटा का अर्थ होता है परे, फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक, ठीक है। तो इसमें अपन बात करें तो तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें जिसमें भौतिक का से परे, भौतिकता से परे, ये शब्द याद रखना, भौतिकता से परे, भौतिकता से परे का मतलब होता है दूर, परे का मतलब क्या होता है, दूर, समझ में आया ना, भौतिकता से परे। अब भौतिकता से परे जैसे किटी, जैसे ईश्वर, आत्मा, जगत, जड़ आदि तत्वों को स्वीकार किया जाता है, ये इसका मतलब होता है। तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा, दर्शन की वह शाखा जिसमें भौतिकता से परे ईश्वर, आत्मा, जगत, जड़ आदि तत्व स्वीकार किए जाते हैं, तत्व स्वीकार किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यहां तत्व का मतलब होता है सत्ता, तत्व का अर्थ क्या होता है, तत्व का अर्थ होता है सत्ता, तत्व का मतलब क्या होता है, सत्ता, अर्थात दर्शन की वह शाखा जिसमें भौतिकता से परे ईश्वर, आत्मा, जगत, जड़ आदि की सत्ता को स्वीकार किया गया है, याद रखना है, आदि की सत्ता को स्वीकार किया गया है, ये तत्व मीमांसा का मतलब होता है, याद रखना। तत्व मीमांसा को अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स बोलते हैं, और मेटा का अर्थ होता है परे, फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक, और तत्व मीमांसा का इस प्रकार से अर्थ हो गया कि दर्शन की वह शाखा जिसमें भौतिकता से परे ईश्वर, आत्मा, जगत, जड़ आदि की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। अर्थार्थ में ये बोल दूं, अर्थार्थ तत्व मीमांसा में ईश्वर, आत्मा, जगत, जड़
आदि की सत्ता को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है, या गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तत्व मीमांसा में ईश्वर, आत्मा, जगत, जड़ आदि की सत्ता को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है, आपको याद रखना है। क्लियर है? यस या नो? हाँ या ना बता दो बस मुझे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो तत्व मीमांसा में ईश्वर, आत्मा, जगत, जड़ की सत्ता को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। अब अपन बात करेंगे तत्व मीमांसा के भाग, तत्व मीमांसा के भाग। एक है ईश्वर मीमांसा, मीमांसा जो तत्व मीमांसा है, इसके भागों की बात करें तो मेरे परम मित्रों, एक आपकी ईश्वर मीमांसा है, एक मनो विज्ञान मीमांसा है। मनोविज्ञान मीमांसा, मीमांसा, और एक आपके है सृष्टि मीमांसा, सृष्टि मीमांसा, सृष्टि मीमांसा। याद रखना है, तत्व मीमांसा के भाग तीन हैं। एक आपके ईश्वर मीमांसा है, एक मनोविज्ञान मीमांसा है, और एक आपके सृष्टि मीमांसा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर? अब ईश्वरीय मीमांसा की बात करें तो इसका मतलब है कि ईश्वर की सत्ता है या नहीं, ईश्वर की सत्ता है या नहीं। और ईश्वरीय मीमांसा में जो ईश्वर है, इसको क्या बोला गया है? गॉड, GOD, गॉड बोला गया है। गॉड का मतलब होता है, जी का मतलब होता है जनरेटर, जनरेटर। ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर। और डी का मतलब होता है डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला। ऑपरेटर का मतलब होता है संचालन करने वाला, संचालन करने वाला। और डेस्ट्रॉयर का मतलब होता है विनाश करने वाला। ये होता है ईश्वर का मतलब, यानी कि ईश्वरीय सत्ता है या नहीं, ये ईश्वरीय मीमांसा में देखेंगे। और ईश्वर को अंग्रेजी में GOD बोलते हैं। गॉड का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर। तो ये उत्पन्न करने वाला है, संचालन करने वाला है, विनाश करने वाला है। अर्थात ये आपके बैठा हुआ है गॉड, ये भगवान बैठे हुए हैं आपके, ये भगवान बैठे हुए हैं, भगवान, ये भगवान बैठे हुए हैं आपके, तिलकधारी भगवान है अपने, ठीक है। और ये आपका जगत है, ये क्या है? जगत। जगत का मतलब संसार। और इस भगवान ने इस जगत की क्या की है? जी की है, यानी कि, और इसी भगवान ने इस जगत का क्या किया है? ओ किया है। और इसी भगवान ने इस जगत का क्या किया है? डी किया है। यानी कि भगवान जो है इस संसार को उत्पन्न करने वाला है, बनाने वाला, उत्पन्न या बनाने वाला, इस संसार को उत्पन्न करने या बनाने वाला है, इस संसार का पालन पोषण करने वाला है,
पालन पोषण या इसका संचालन करने वाला है, और भगवान इसी संसार का समय के साथ में क्या करता है, विनाश करने वाला है, विनाश करने वाला है। ये होता है ईश्वरीय मीमांसा। ये कौन सी मीमांसा है? ईश्वरीय मीमांसा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? क्लियर है? क्लियर? क्लियर है? यस या नो? समझ में आ गया होगा बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये बता दो आप, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अन्नू दुबे क्या सर, इस यूनिट की कितनी क्लास हो गई है? अन्नू दुबे इसकी दूसरी क्लास है ये। तो याद रखना है, ईश्वरीय मीमांसा की अपन बात करें तो ईश्वर की सत्ता है या नहीं, ठीक है? ईश्वर का मतलब अंग्रेजी में GOD होता है। जी का मतलब जनरेटर, उत्पन्न करने वाला। ऑपरेटर का मतलब संचालन करने वाला। डेस्ट्रॉयर का मतलब होता है विनाश करने वाला। ये भगवान है जो इस जगत को उत्पन्न या बनाने वाला है, पालन पोषण करने वाला है, विनाश करने वाला है। मनोविज्ञान मीमांसा में अपन बात करें तो ये बताता है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो सबसे पहले बोला कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है, मस्तिष्क का अध्ययन करता है, और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान मीमांसा में ये बताया था कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। कुछ ने बोला कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है, किसी ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है, किसी ने कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है, और किसी ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। तो सबसे अच्छी जो परिभाषा है वो ये है कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर? अब सृष्टि मीमांसा में क्या है, ध्यान रखना। सृष्टि मीमांसा में जगत की या सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे हुई, सृष्टि की रचना किसने की, सृष्टि की रचना किसने की, आदि की विवेचना की जाती है। विवेचना की जाती है, ये आपको ध्यान रख लेना है। गौरव मेरी क्लास अभी 6 अप्रैल से होगी। क्लियर? तो याद रखना है, ये तत्व मीमांसा है, ईश्वरीय मीमांसा, मनोविज्ञान मीमांसा, सृष्टि मीमांसा। ईश्वरीय मीमांसा में ईश्वर की सत्ता है या नहीं, ईश्वर को अंग्रेजी में गॉड बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर यानी कि उत्पन्न करने वाला, संचालन करने वाला, विनाश करने वाला। मनोविज्ञान मीमांसा में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, आत्मा, चेतना, मन, मस्तिष्क या व्यवहार का। सृष्टि मीमांसा में जगत या सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि की रचना किसने की, और सृष्टि की विवेचना के बारे में जो जानकारी मिलती है वो सृष्टि मीमांसा से मिलती है, ये आपका ध्यान रखना है। तो ये थे आपके तत्व मीमांसा। अब अपन बात करेंगे नीति मीमांसा की। नीति
मीमांसा, क्या आचार मीमांसा, आचार मीमांसा, आचार मीमांसा, यानी कि इसका अर्थ है, नीति मीमांसा का अर्थ है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है का अध्ययन, का अध्ययन किया जाता है या जाता है। याद रखना है, नीति मीमांसा या आचार मीमांसा की बात करूं तो ये बताती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका अध्ययन जिसमें किया जाता है वो होती है आपकी नीति मीमांसा। वो कौन सी मीमांसा होती है? नीति मीमांसा होती है जीवन के लक्ष्य के बारे में बताने वाली, कि जीवन का लक्ष्य क्या है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो जीवन का लक्ष्य क्या है का अध्ययन किया जाता है नीति मीमांसा। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर हो गई सबको? अब अपन बात करेंगे, यहां पे वापस बात करेंगे कि जो कल अपन ने क्लास में चर्चा करी थी, प्रमाण। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है प्रमाण क्या है, तो ध्यान रखना प्रमाण क्या है? ज्ञान की प्राप्ति के साधन, ज्ञान की प्राप्ति के, ज्ञान की प्राप्ति के साधन, साधन ही प्रमाण है। ज्ञान की प्राप्ति के साधन ही प्रमाण है, ध्यान रखना है। ज्ञान की प्राप्ति के साधन ही प्रमाण है। जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें हम प्रमाण कहते हैं, ठीक है ना? ज्ञान जिनसे हम प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। अब प्रमाण कौन कौन से हैं? तो देखो, प्रमाण कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, प्रमाण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपन बात करें प्रत्यक्ष प्रमाण की। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों या पंच इंद्रियों के द्वारा, पंच इंद्रियों के द्वारा, पंच इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है, यानी कि आपकी जो ज्ञानेंद्रिया है या पंच इंद्रिया है, ठीक है, इनके द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है वो ही क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आपकी आंखों से दिखाई देना, आपकी आंखों से दिखाई देना, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आपको समझ में आया होगा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आपका, आपकी आंख से, आपके कान से, आपके नाक से। जैसे मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब देखो, आंख से आप क्या करते हैं? देखना। नाक से सूंघना, कान से सुनना, जीभ से चखना और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान। तो ये सब क्या है? अगर आप अपनी आंख से किसी चीज को देखते हैं, नाक से सूंघते हैं,
कान से सुनते हैं, जीभ से चख लेते हैं स्वाद को, और त्वचा से स्पर्श करके बता सकते हैं कि ये क्या चीज है। तो ये सब किसके भाग है? प्रत्यक्ष प्रमाण। ये कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण। ये कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, याद रखना है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वो प्रमाण होता है जो आपकी ज्ञानेंद्रियों से या जो कर्मेंद्रियां हैं या आपकी इंद्रियां हैं उनके माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। उसे ही क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आपके सामने हो, समझ में आए ना, जिनको आप सुने हो, जिनको आपने कान से सुन लिया या नाक से सूंघ लिया तो बदबू बता सकते हो कि बदबू है या खुशबू है, और जीभ से चख लिया तो आप बता सकते हो मीठा है या खट्टा है या कड़ा है, और किसी चीज को आपने अपने हाथ से स्पर्श कर लिया तो बता सकते हो कि ये मुलायम है या सॉफ्ट है या हार्ड है या कैसा है। तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने आपको बताया प्रमाण क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के साधन ही प्रमाण है। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, ज्ञानेन्द्रियां, पंचेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है, और आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से यदि आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। आज अपन इतना ही करेंगे, इतना ही कर पाएंगे, संडे है, मुझे भी थोड़ा सा काम था तो क्लास बनी हुई थी तो मन का आधा घंटा अपन बच्चों के साथ में डिस्कस कर लेंगे, बाकी की बात कल से अपन करेंगे। आज 1 बजे भी ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की होगी, ठीक है, संडे है तो आप भी थोड़ा सा रिविजन कर लें और मेरा भी थोड़ा सा कर लूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाकी की बात अपन कल करेंगे, संडे है आज थोड़ा सा, तो आप भी रेस्ट करें।